नमस्कार दोस्तों, विधि विधान चैनल से मैं पंडित रामकिशोर शर्मा आप सभी लोगों को हार्दिक नमस्कार करता हूं। अभी जो विषय चल रहा है अपना, वह वनस्पति से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। भगवान ने संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बनाई है, सिर्फ जानने और समझने वाले की उसमें आवश्यकता है। संसार में एक घास का तिनका, छोटे से छोटा तिनका और बड़े से बड़ा पेड़ बरगद का, इसके बीच में जो भी वनस्पति संबंधित वृक्ष पौधे घास फल फूल जो भी हैं वह निरर्थक नहीं हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और निरर्थक इसलिए नहीं है कि वह कुछ ना कुछ काम मनुष्य के लिए आते ही हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं में उनका उपयोग यदा कदा होता आया है। जिसको इसकी जानकारी है वह उससे लाभ ले लेता है, जिसको नहीं है वह वंचित रह जाता है। तो इसी प्रकार इस कड़ी में एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देवराहा बाबा एक उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध संत हुए, जिनकी आयु कम से कम 450 वर्ष की रही होगी, जो पिछले कुछ साल पहले अपने शरीर को छोड़कर देवलोक गमन कर चुके हैं। उनसे किसी ने पूछा कि संत जी, महाराज जी, बताइए कि आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है संसार में। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में एक बरगद का वृक्ष है, वह मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। सभी आश्चर्यचकित बोले कि मैं जब भी वहां जाता हूं वह साष्टांग प्रणाम करता मुझको। ठीक है, फिर उनसे पूछा कि आपसे सबसे ज्यादा कौन सा शिष्य डरता है। तो उन्होंने बोला कि मेरी कुटिया के सामने, मचान के सामने जो एक बबूल का वृक्ष दिख रहा है वह सबसे ज्यादा मुझसे डरता है। तो पूछा क्यों। किसी ने उससे पास जाकर कुछ निवेदन किया था तो उसका कांटा उसको लग गया। मैंने उससे बोला कि ऐसा क्यों। वह तब से कांपने लगा और डर के मारे क्षमा याचना मांगी उसने। तो वह मेरा एक सबसे डरने वाला शिष्य भी है। इसका मतलब ये हुआ कि वनस्पतियों में भी जान होती है। देवराहा बाबा जैसे संत, सिद्ध संतों ने वनस्पतियों को प्राण सहित माना है, उनको एक देवता के तुल्य माना है। अतः हम सब भी उनका संरक्षण करें और उनसे जो भी ईश्वर प्रदत्त गुण है उनमें उससे हम लाभ लें, इसलिए ये बात कही। इसी प्रकार रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने पीपल के वृक्ष को बहुत महत्व दिया है। साक्षात विष्णु का अवतार या अंश माना है, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजन करते हैं। पीपल की मूल में, जड़ में जल चढ़ाते हैं, इससे कई प्रकार के रोग शांत होते हैं। अर्थ ये हुआ कि हम
किसी भी पेड़ पौधे वनस्पति को कष्ट ना पहुंचाए, अनावश्यक उनको नहीं काटें। सिर्फ वेदों और पुराणों में वृक्षों को काटने के लिए सिर्फ एक समय ऐसा नियत बताया था कि यज्ञ आदि कार्य के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करके ही उनको उनकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। आज के समय में जो वातावरण प्रकृति में बदलाव आ रहा है, जिससे मनुष्य जाति को कष्ट भी हो रहा है, रोग ग्रस्त हो रहे हैं, उसका एक कारण यही है कि हम पृथ्वी पर वृक्षों की संख्या कम करते जा रहे हैं, उनको काट रहे हैं, अनावश्यक उनसे उनका नुकसान कर रहे हैं। इस कारण से मनुष्यों के शरीर में भी रोग उत्पन्न होते। अभी तक कई लोगों को यही नहीं मालूम रहता कि उसको ये रोग क्यों हो गया। उसका कारण एक, उसने वृक्ष को काटा, वह वृक्ष को काटता रहता, इसलिए उसके लिए यह रोग लगा। कई मनुष्यों को यही नहीं मालूम कि उसको उसके शरीर में ये रोग आया कहां से। आप एक प्रयोग करके देख लेना, आधा घंटे किसी वृक्ष के तने से आप निपट कर रहिए, आपके शरीर में यदि ताप है, बुखार है, आप आधे घंटे उस वृक्ष से निपट कर देखिएगा आपका ताप बुखार कहाँ गया, पता नहीं चलेगा। अतः यह इस बात से सिद्ध होता है कि इन पेड़ पौधों वृक्षों में भगवान की दुई हुई शक्ति है, सामर्थ्यता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में प्राण है, वैसे ही इनके शरीर में प्राण रहते हैं, अतः इनका संरक्षण करना चाहिए और इससे हमारी प्रकृति भी शुद्ध साफ होगी, शुद्ध वायु मिलेगी, रोगों से हमको छुटकारा मिलेगा, ये संदेश जाता है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन हाथ जोड़कर करता हूं कि किसी भी वृक्ष को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाए। जैसे तुलसी है, अब तुलसी जी की पत्र भगवान को चढ़ते हैं, तो वह भी उसका एक नियम है, उनसे प्रार्थना करना है कि हम आपके प्रभु के लिए आपको अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं, 5-7 पत्ते इस प्रकार निवेदन करके तोड़िएगा, आपको दोष नहीं लगेगा। इतना आज के लिए काफी है। नमस्कार। राम राम। जय माता दी।